मैं आपका स्वागत है। आज की अपडेट आपके लिए है, जो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि जो सीटेट का एग्जामिनेशन है उसकी एग्जाम डेट आ गई है, पर उसके साथ एक नई नई बड़ी इन्फॉर्मेशन भी आई है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूँ वो ऑफलाइन होने वाला है यार। अब आपका एग्जामिनेशन देखो साफ साफ लिखा हुआ है पेन और पेपर बेस्ड होगा, ठीक है। और ये आपका एग्जामिनेशन होगा ये 20 अगस्त को होगा, मतलब संडे को, ऑल ओवर इंडिया में केवल एक ही दिन होगा। ये बात भी सही है, एक छोटे से एग्जामिनेशन के लिए बहुत तोबी तबड़ा करना पड़ता है कि फिर जब इसका रिजल्ट आएगा है ना, फिर इधर उधर आंसर होंगे, फिर उनको आप आंसर की के साथ मैच करके देखो फिर आपका कौन सा आंसर है, कि अच्छा इसका ये 10 है और जो आंसर की आई है उसमें ये पहले नंबर पे तो 1 का ये है। तो लगभग पिछली बार का जो 2021 का पेपर था वो मुझे अपना क्लियर करने में, मतलब मेरा क्या आंसर है, लगभग 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लग गए थे, और वो भी एक जनों ने नहीं किया, दो दो तीन तीन लोगों ने किया, एक एक सेक्शन किया, एक सेक्शन को करने में 30 क्वेश्चन करने में, क्योंकि अब बहुत ऊपर नीचे होता है और मैं चीज कौन सा सेट होता है वो भी चीज़ देखना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई अकॉर्डिंग टू मी। अब आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको पेन पेपर ज़्यादा अच्छा था कि ऑनलाइन वाला। मैं अपना बताऊँ, क्योंकि जो अगर पेपर का भी आप मैटर देख लो तो उसके अकॉर्डिंग भी पेन पेपर वाला थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और बहुत से लोगों को कंप्यूटर चलाने में या फिर जैसे जो भी पढ़ रहे हैं उनके पास नहीं है, तो उनके लिए भी एक सुविधा रहती है कि वो एक इजीली पेपर मतलब गोले भरने वाला कर पाए और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक। तो और नीचे ये की डिटेल कि और जो भी डिटेल वगैरह जो भी सिलेबस लैंग्वेज एलिजिबिलिटी जो भी XYZ एस के अकॉर्ड मतलब है वो सब एज टू एज रहेगा, बाकी सब कोई भी चेंजमेंट नहीं आई है। केवल जो चेंजमेंट आई है केवल ये जो आपका पेपर है ऑनलाइन मोड की जगह पेन पेपर मोड पर है। पेन पेपर मोड का मेरे ख्याल से एक और बहुत अच्छा फायदा है कि जैसे हम लोग जो अभी नॉर्मली भी जब भी पढ़ते भी है ना, तो भले जाओ लैपी से पढ़ रहे हो या फोन से पढ़ रहे हो, लेकिन हम लिखते जरूर हैं। तो इससे हमारे जो जैसे कि और जैसे कि जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम बुकों से लगाते हैं, तो उससे हमारी जो अडेप्टेबिलिटी होती है ना पेपर को सॉल्व करने की है ना, वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो उसके साथ हमारी हैबिट के साथ कंपेटेबिलिटी शो करता है। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी चीज़ फायदा ही है। अब आपको कैसा लगा तो बताना कमेंट बॉक्स में, बस इतना ही है। अगर आप लोग पिछली साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आप लोगों के पास होंगे, अगर नहीं है या फिर कोई और इशू है या फिर किसी ईयर का पेपर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक। और बस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।